दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के एपिसोड 212 की पार्ट 2 पर, तो वीडियो के अंत तक जरूर वॉच करना। आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होता है हमें जैसे ही बीबी जो गंभीर हो जाती है और उसके साथ ही कहती है, अच्छा हुआ मैंने अपनी 9th सोल टिकट को यूज किया था, नहीं तो मैं मर भी सकती थी। इस सी गॉड की शैडो अकेले मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ना ही मुझे किल कर सकता है। बीबी जो को पता चलता है कि टैंकसन उन दोनों मास्टर को सॉरी ऑब्जर्व कर रहा है। उसके साथ ही टैंकसन से कहती है, टैंकसन तुम दोबारा से वो चीजें चिन रहे हो, वो मेरी होनी चाहिए थी, इनके लिए मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की थी। जिसके पास सीन सेट होता है, हमें दामिंग अर्मी को देखा जाता है। इन दोनों ही अपनी सैक्रिफाइस पूरी तरह से कर चुकी होती है, इसकी वजह से नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों जानवर की बॉडी में से दो सोल बोन निकल कर आते हैं। आते ही वो दोनों सोल बोन टैंकसन के लेफ्ट आर्म बोन और राइट आर्म बोन बन जाते हैं। इसकी वजह से टैंकसन का एक हाथ दोबारा से अपेयर हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर की सोल रिंग ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ ही कहता है, 2000 ईयर की स्प्रिट रिंग, दो सोल बोन को एक ही टाइम में ऑब्जर्व करना मुझे काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मगर इसके साथ ही टैंकसन का सीग और ट्राइडन दोबारा से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस ट्राइडन ने इन सारे पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके टैंकसन को देने लगता है और उसके साथ ही हम देखते हैं एक अमेजिंग व्यू को। इस व्यू को देखने के बाद मैं भी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैंने आज से पहले इतनी सोल रेड सोल रिंग को देखा था। मैं भगवान से एक ही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे भी ऐसा सोल रिंग सोल गुण दे दो, ताकि मैं टैंकसन की जैसा हो सकूं। सॉरी थोड़ा मजाक कर रहा था। और उसके साथ ही टैंकसन के हाथों से दो स्प्रिट बाहर आ जाती है, एक होता है ब्लू सूरज ग्रास और एक होता है क्लेयर्स का हैमर। इन दोनों में एक एक रिंग ऐड होना शुरू हो जाती है और उसके साथ ही वहाँ पर लाइट चमक उठती है। ये लाइट सब कुछ नॉर्मल कर देती है और उसके साथ ही हम देखते हैं बीबी दुम को, इसको सेक्रेट ड्रैगन मास्टर कहता है। टैंकसन की और पहले टोटली डिस्पेयर हो चुकी है, जिसके साथ ही फ्लावर शॉ मास्टर बीबी दुम से कहता है, एम्परर मैं आपको इस बात से परमिशन चाहती हूँ कि स्टार डू पर्ट के दोनों मास्टर के सेक्रीफाइस पहले ही कम्प्लीट हो चुकी है। टैंकसन के पास अभी के लिए ग्रैंड सोल मास्टर की पावर है और अभी के लिए वो ग्रैंड सोल मास्टर बन चुका है, मगर हम लोग उसका पीछे करते भी है। हम लोगों के पास दोबारा से टैंकसन के जीतने से कोई भी चांस नहीं बचा। जिसके साथ ही फ्लावर सोल मास्टर बीबीदोंग से दोबारा से परमिशन मांगने लगता है, मगर बीबीदोंग उसे ना कहती। उसके साथ ही बीबीदोंग इन सबको दोबारा से कहती है, इस मरतबा हम लोग काफी ज्यादा इंजर हो चुके हैं, हम लोग मरते मरते बचे है, हमें कोई भी रिस्क लेनी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस जा रहे हैं, आगे क्या करना है वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही इन सारे सोल मास्टर और बेबी दुम की वहाँ से जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंकसन को दिखाया जाता है, टैंकसन शव को उठाने लगता है, मगर शव अभी भी बेहोश की हालत में होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं दामिंग आर्मी की बॉडी को पानी में गिरी होती है। टैंकसन इसे देखकर इन दोनों को अपने ट्रेजर पॉकेट में छुपा लेता है और उसके साथ ही टैंकसन कहता है, ब्रदर्स मैं अपने स्पिरिट की कसम खाता हूँ कि मैं शव को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चले जाए, और उसके साथ ही तुम दोनों का बदला मैं हर हाल में लूंगा। और उसके साथ ही हम देखते हैं टैंकसन शव को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ ही कहता है, अभी के लिए जो बीबीदों ने किया है मैं उन सबका बदला मैं तुम्हारी जान लेकर चुकाऊंगा। जिसके साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।